तो दोस्तों बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों फिर मैं जिस तरह स्टेटस को देखा है दिवाली कमिंग सोन, इस तरह स्टेटस आप भी बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखिए। एकदम सिंपल है इस तरह का स्टेटस बनाना, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे इस चैनल पर आप फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगता है खबर दे लाइक भी कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए। और वीडियो बनाने में कोई भी दिक्कत आई तो मुझे इस टाइम पर मैसेज कर देना, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और मेरे टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मैं जो फोटो पिन जो कुछ मैं यूज़ करने वाला हूँ सभी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, और जो मैं इफेक्ट फोन भी वीडियो क्लिप यूज करने वाला हूँ वो तो सभी चीज़ मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो उधर से डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस स्टेटस को बनाने के लिए एलआईडी मोशन ऐप को ओपन करना होगा। तो देख सकते हो मैं एलआईडी मोशन ऐप को ओपन कर लिया हूँ, तो एलआईडी मोशन ऐप को ओपन कर लेना। और एलआईडी मोशन में आने के बाद यहाँ पर जो प्रोजेक्ट ऑप्शन है प्रोजेक्ट ऑप्शन में आना होगा। और प्रोजेक्ट ऑप्शन में आने के बाद देखो यहाँ पर जो सॉन्ग बिटमार प्रोजेक्ट और जो इफेक्ट प्रोजेक्ट है, ये दोनों प्रोजेक्ट को मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये दो प्रोजेक्ट को मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना। और डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर जो सॉन्ग बीट मार्क है इसको ओपन कर लेना। तो सॉन्ग बीट मार्क प्रोजेक्ट को ओपन करने के बाद इस प्रोजेक्ट में कुछ इस तरह आपको देखने को मिलेगा। देखो यहाँ पर एक सॉन्ग और एक रेक्टेंगल देखने को मिलेगा, और कुछ भी यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा, और कुछ बीट यहाँ पर देखने को मिलेगा देख सकते हो। तो यहाँ पर जो बीट है ये बीट को कुछ भी छेड़खानी नहीं करना है, इसमें बीट के हिसाब से आपको फोटो ऐड करना है। और फास्ट में जो गैप है देखो इतना बड़ा, तो इसमें आपको एक वीडियो क्लिप ऐड करना होगा। तो मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों वीडियो क्लिप लिंक मिल जाएगा, एक ये बीट में ऐड करना पड़ेगा और एक जो इफेक्ट की तरह आपने देखा वो वीडियो क्लिप को सभी बीट में ऐड करना पड़ेगा। तो चलिए दिखाते हैं। तो सबसे पहले देखो फर्स्ट बीट में आ जाना, प्लस ऑप्शन को टच करना, मीडिया ऑप्शन में आ जाना और ये वाला वीडियो क्लिप को ऐड कर लेना देखो कुछ इस तरह। और जो बीट है ये बीट के हिसाब से एकदम बराबर कर लेना फोटो को, सॉरी वीडियो क्लिप को ऐसे करके देखो, तो ऐसे कर लेना। ऐसे करना हो जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो बीट है ये बीट में आपको फोटो ऐड करना होगा। जिस फोटो का वीडियो बनाना चाहते हो तो फोटो ऐड करने के लिए प्लस ऑप्शन को टच करना, मीडिया ऑप्शन में आ जाना और जिस फोटो का वीडियो बनाना चाहते हो उस फोटो को ऐड कर लेना। तो देखो मैं आप लोगों को दिखाने के लिए एक फोटो ऐड कर लिया हूँ। फोटो को ऐड करने के बाद ऊपर जो थ्री डॉट यहाँ पर टच करना, इधर से फुल स्क्रीन कर लेना फोटो को, और फोटो का जो लेयर है अगला जो बिट है ये बिट तक लाना पड़ेगा, तो ये वाला ऑप्शन को टच कर देना। फिर से प्लस ऑप्शन को टच करना, मीडिया ऑप्शन में आ जाना और एक फोटो को ऐड कर लेना। तो ऐसे करके आप लोग यहाँ पर जो बीट है ये बीट में फ़ोटो को ऐड करना होगा एकदम एंड तक। देखो जैसे मैं कर रहा हूँ तो ऐसे करके आप लोग भी ऐसे करके फ़ोटो को ऐड कर लेना देखो एकदम एंड तक। और टोटल आपको यहाँ पर 7 फोटो ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जितनी सारी फ़ोटो मैं यूज करने वाला हूँ सभी आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, उधर से डाउनलोड कर लेना देखो। और जितने सारे मैं वीडियो क्लिप यूज करने वाला हूँ वो सभी चीज़ मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा देखो। तो कुछ इस तरह करके फोटो को ऐड कर लेना। और फोटो ऐड करना हो जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो रेक्टेंगल है ऐसे करके साइड में दबा कर रखना होगा, और सभी लेयर के ऊपर रख देना। तो कुछ इस तरह नीचे देखो आपको ब्लैक शैडो देखने को मिल जाएगा। तो ऐसे कर लेना, ऐसे करने के बाद यहाँ पर जो बीट है ये बीट में फिर से आ जाना, प्लस ऑप्शन को टच करना, मीडिया ऑप्शन में आ जाना और ये वाला देखो पीएनजी फोटो को ऐड कर लेना। दिवाली वाला मूव एंड ट्रांसफर में आ जाना, जूम ऑप्शन में आ जाना, ऐसे करके छोटा कर लेना, जितना छोटा आप रखना चाहते हो उतना छोटा कर लेना। फास्ट वाला ऑप्शन को टच करना और ऐसे करके पीएनजी फोटो को ऐड कर लेना। उसके बाद एक बार बैक हो जाना, एकदम लास्ट में आ जाना, ये जो ऑप्शन है पर टच कर देना। तो देखो कुछ इस तरह हमारा जो पीएनजी फोटो है वो ऐड हो जाएगा। तो देखो फोटो में अब इफेक्ट देंगे, तो फोटो में इफेक्ट देने के लिए दोस्तों यहाँ पर जो देखो यहाँ पर जो चार फास्ट में जो चार फोटो है ये चार फोटो में आपको अलग अलग चार इफेक्ट देना होगा। उसके बाद फिर से इधर से देखो यहाँ पर आपको तीन फोटो मिलेगा, तो तीन फोटो में फिर से अलग इफेक्ट दे देना यही वाला उठा के। तो चलिए दिखाते हैं। तो सबसे पहले देखो फास्ट फोटो में इफेक्ट देंगे तो उसके लिए बैक हो जाना, यहाँ पर जो इफेक्ट प्रोजेक्ट है इसमें आ जाना। इसमें आने के बाद देखो फास्ट में जो फोटो है फोटो लेयर को टच करना होगा, इफेक्ट ऑप्शन में आना होगा, फिर को टच करना होगा और कॉपी इफेक्ट कर लेना। उसके बाद बैक हो जाना, सॉन्ग बीट मार्क प्रोजेक्ट में फिर से आ जाना। आने के बाद देखो यहाँ पर जो फास्ट फोटो है फास्ट फोटो में ये इफेक्ट को देना है, तो ये फोटो लेयर को टच करना, इफेक्ट ऑप्शन में आ जाना, थ्रेड को टच करके पेस्ट इफेक्ट कर देना। तो देखो फोटो में कुछ इस तरह आपको इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो फोटो है ये फोटो में 2 नंबर इफेक्ट देना होगा, और इसमें 3 नंबर और इसमें 4 नंबर। उसके बाद फिर से यहाँ पर जो फोटो है ये फोटो में 1 नंबर इफेक्ट को देना होगा यही वाला। तो फोटो लेयर को टच करना, इफेक्ट ऑप्शन में आ जाना, थ्रेड को टच करके पेस्ट इफेक्ट कर देना।
उसके बाद फिर से यहाँ पर 2 नंबर और यहाँ पर 3 नंबर। तो अब 2 नंबर इफेक्ट को यहाँ पर ये फोटो में लगाएंगे, तो उसके लिए बैक हो जाना, इफेक्ट प्रोजेक्ट में आ जाना और यहाँ पर देखो 2 नंबर जो फोटो है, फोटो लेयर को टच करना, इफेक्ट ऑप्शन में आ जाना, थ्रेड को टच करके कॉपी इफेक्ट कर लेना, उसके बाद बैक हो जाना, संग बिटमर प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना। इसमें आने के बाद यहाँ पर जो देखो यहाँ पर 2 नंबर जो फोटो है, ये फोटो में इफेक्ट को देना है, तो फोटो लेयर को टच करना, इफेक्ट ऑप्शन में आ जाना, थ्रेड को टच करके पेस्ट इफेक्ट कर देना। देखो तो ऐसे करके फोटो में इफेक्ट दे देना, फिर से आगे आ जाना। देखो यहाँ पर 3 नंबर इफेक्ट देना होगा और इसमें 4 नंबर, इसमें देखो 1 नंबर इफेक्ट दिया है और इसमें फिर से 2 नंबर इफेक्ट को देना है। तो फोटो लेयर को टच करना, इफेक्ट ऑप्शन में आ जाना, थ्रेड को टच करके पेस्ट इफेक्ट कर देना और इसमें 3 नंबर इफेक्ट को दे देना। तो ऐसे करके आप लोग इफेक्ट को ऐड कर लेना फोटो में, और फोटो में इफेक्ट लगाना कंप्लीट हो जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो बीट है, ये बीट में आपको एक वीडियो क्लिप ऐड करना होगा जो इफेक्ट के तरह आपने देखा है। तो वो वीडियो क्लिप ऐड करने के लिए प्लस ऑप्शन को टच करना, मीडिया ऑप्शन में आ जाना और ये वाला देखो जो वीडियो क्लिप है ये ऐड कर लेना। देखो कुछ इस तरह आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये वीडियो क्लिप को ऐड कर लेना। ऐड करने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो वीडियो क्लिप लेयर है, ये लेयर को टच करना, ब्लेंडिंग ओपेसिटी ऑप्शन में आ जाना, लाइटिंग ऑप्शन में आके स्क्रीन कर देना। स्क्रीन करने के बाद अगला जो बीट है, अगला बीट में आ जाना और बीट में आने के बाद इसको कट करके हटा देना, ये बीट के बराबर करना है कुछ इस तरह। देखो ऐसे कर लेना। ऐसे करने के बाद ये ब्लैक स्क्रीन वीडियो लेयर को टच करना, यहाँ पर जो ऑप्शन यहाँ पर टच करना और इधर से कॉपी लेयर कर लेना। कॉपी लेयर करने के बाद अगला जो बीट है, अगला बीट में आ जाना, ये वाला ऑप्शन को टच करना और इधर से। तो दोस्तों देख सकते हो मैं सभी बीट में वीडियो क्लिप को ऐड कर चुका हूँ। तो एक प्रॉब्लम है मेरे फ़ोन में, मेरा जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो अपने आप बंद हो जा रहा है, तो इसलिए मैं देखो यहाँ पर जितने सारे मैं वीडियो क्लिप को ऐड किया हूँ ब्लैक स्क्रीन, उसको मैं देखो बंद करके रखा हूँ। आई मीन जो क्रॉस है देखो लगा के रखा हूँ, खाली एक जो वीडियो क्लिप है इसमें देखो मैं बंद नहीं किया हूँ। तो आप लोग ऐड कर लेना ये सभी बीट में वीडियो क्लिप को, और ऐड करना हो जाने के बाद कुछ इस तरह आपको देखने को मिल जाएगा। देखो कुछ इस तरह आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो ऐसा करके वीडियो क्लिप को ऐड कर लेना। वीडियो क्लिप ऐड करना हो जाने के बाद दोस्तों अब क्या करना होगा, बैक हो जाना और यहाँ पर जो इफेक्ट प्रोजेक्ट है इसमें आना होगा। तो इफेक्ट प्रोजेक्ट में आने के बाद यहाँ पर जो देखो रेक्टेंगल जो है, तीन रेक्टेंगल को ऐसे करके सिलेक्ट कर लेना और इधर से कॉपी लेयर कर लेना। उसके बाद दोस्तों बैक होना होगा और यहाँ पर जो सॉन्ग बीट मार्क है इसमें फिर से आना होगा और फास्ट में आपको रहना है फास्ट बीट में। उसके बाद इधर से पेस्ट लेयर कर देना। पेस्ट लेयर करने के बाद एकदम लास्ट में आना होगा और एकदम एंड तक देखो ये 3 लेयर को लाना पड़ेगा। तो एकदम लास्ट में जाने जो ऑप्शन है पर टच करना, ये वाला ऑप्शन को टच कर देना। तो ऐसा करके 3 लेयर को एकदम एंड तक ले आना, तो कुछ इस तरह आपको देखने को मिल जाएगा। देखो तो देखो कुछ इस तरह आपको इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। ऐसे कर लेना और ऐसे करना हो जाने के बाद दोस्तों वीडियो जो बनाना कंप्लीट हो चुका है। तो इसको अब एक्सपोर्ट करेंगे, तो वीडियो को एक्सपोर्ट करने के लिए ऊपर जो 4 ऑप्शन है पर टच करना और इधर से वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना। तो वीडियो को एक्सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर जो एक्सपोर्ट ऑप्शन है यहाँ पर टच कर देना, तो एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो दोस्तों मेरा आज का वीडियो इतना था, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए जय हिंद।